आप लोगों को बोल रही थी मैं कल के ब्लॉग में सर्दी जुकाम से बचे और मेरा सर्दी जुकाम नहीं जा रहा। और हाउ भी डराएगा बेटू, ठंडा लग रहा। लवली हमारी पिंकी बन गई आज, इसको लग गई ठंडी तो इसको मैंने पिंकी बना ली। दिखा पिंकी, गुड़ की चाय, कटकी वाली चाय। तो मैं गुड़ यहाँ तोड़ रही थी और मैंने, तो भाभी ने खाना पीना बना बुनो के रेडी किया, फिर मुझे वो दे गई, रूम में ही दे गई। मैंने रूम में ही खाना खाया और रख लेंगे यहाँ से आलू। भाभी छाटेंगी और लेंगे आलू। भाभी छाटना प्रक्रिया आरम्भ करो। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स। तो मेरा आज पूरा जो गला है एकदम दर्द कर रहा है, खुजली खुजली सी हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट उठी। लेट तो क्या, ठीक टाइम पे उठी हूँ अपने हिसाब से। अपने जितने मुझे लगता है कि मेरा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इतना दर्द कर रहा है, इतने मतलब कि मैं सुबह 5 बजे उठी तो ये तो पूरा दर्द कर रहा था यहाँ गला अंदर से। मैंने इसमें इतना विक्स लगाया है, इतना विक्स लगाया है। आप लोगों को बोल रही थी मैं कल के ब्लॉग में सर्दी जुकाम से बचे और मेरा सर्दी जुकाम नहीं जा रहा। और मुझे तो कफ भी इतना हो गया कि मेरे तो पेट में दर्द हो जा रहा है कफ खांसते खांसते। फिर भी गाइज, आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स में। तो अब मैं उठती हूँ और अपने लिए चटपटी सी अच्छी वाले फ्रेशन अप होती हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद अपने लिए चटपटी अच्छी सी चाय बनाती हूँ, अदरक काली मिर्ची ना मसाले वाली, जिससे मेरे गले में थोड़ा सा सेक लगे और मैं थोड़ा बोलने जैसे रहूँ, अदरवाइज मुझे और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, बहुत पेन हो रहा है अंदर, कुछ नहीं जा रहा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। फ्रेंड्स, तो सारा पूजा वगैरह कर करके मैं आ गई और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही ना, एकदम ये हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं बिल्कुल बहुत। तो किचन पे आई, समझ नहीं आ रहा था कि आज खाना क्या बनाए क्या बनाए, तो बिल्कुल आइडिया नहीं आया। तो मुझे दिखी गोभी, मैंने कहा यार सब्जी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, अच्छी कुछ खाने का मन कर, तो मैंने गैन बना दी आज गोभी की पकौड़े। तो मेरे फ्रिज में थोड़ा, हमारे फ्रिज में थोड़ा सा ना पनीर भी बचा था, तो साथ में पनीर के पकौड़े भी बना दिए। और ये देखो साथ ही साथ बनाई हरी चटनी, जो मतलब विंटर्स में तो अच्छी लगती है। और ये चाय भी बन गई है। आप सब लोग खाना सर्व करते हैं और खाते हैं हम लोग टेस्टी सा खाना। तो मैं तो चली खाने क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। कल रात को भी पता है क्या हुआ कि 7:30 बजे मुझे भूख लग गई थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही खाना बना के अपनी प्लेट ली खाना खाने के लिए, तो मेरी भूख सारी मर गई और मैं खा ही नहीं पाई। फिर सुबह उठ के जब दिया वगैरह करी थी, उस वक्त माइंड ना खाने पे जा रहा था कि भूख लगी है भूख लगी है। तो अभी फिलहाल मैं खाना खाती हूँ, अपने इस टमी को जो भूखा है उसे भरती हूँ। गाइस, तो मैंने और लब्बू ने किया नाश्ता, लेकिन लब्बू ने इतनी नौटंकी दिखाई, इसे बिल्कुल भी वो पकौड़े नहीं खा रहा था। कभी कह रहा चटनी लगा के खा दो, फिर चटनी लगा के दी तो कहने लगे मिर्ची हो गई, फिर पानी मांगने लग गया, है ना। अब बोल रहा है कि हाउ दिखाओ फोन में, मतलब कि इसको एक कार्टून है ना भूत जैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाना हुआ फोन में, तो उससे क्या बोलते है डरता भी है और दिखाओ दिखाओ बोल रहा है। क्या दिखना है? हाउ भी डराएगा बेटू, ठंडा लग रहा है आपको? अभी दिखाती हूँ। तो गाइस इसको पहले मैं हाउ दिखाती हूँ, फिर चुपचाप हो जाएगा, बैठ जाएगा। एक इंसान से मिला हूँ, देखो हमारी लवली हमारी पिंकी बन गई आज, इसको लग गई ठंडी तो इसको मैंने पिंकी बना लिया। दिखाओ पिंकी, फोटो दिखाओ पिंकी। पिंकी यहाँ देखो कैमरे में, कैमरे में देखो पिंकी। मेरी पिंकी बन गई है पिंकी। पिंकी शर्मा आ गई हमारी, ओ ले 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 शर्मा ली है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, बाहर हल्की हल्की शाम होने लग गई है और मैं बना रही हूँ चाय, ये देखिए। तो भाभी मैं हम दोनों मिलके चाय पियेंगे, तो बस अच्छी सा इसमें बॉईल आ जाए, अच्छा सा, तो ये टेस्टी सी चाय बन के हो जाएगी रेडी, फिर हम सब मिलके इसको पियेंगे। और मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय, कटकी वाली चाय। तो मैं गुड़ यहाँ तोड़ रही थी और मैंने क्या हरकत की पता है आपको? मैं इतनी महान बड़ी बनी गुड़ के ढक्कन में, जिसमें मैं गुड़ रखती हूँ उसी ढक्कन में मैंने तोड़ दिया, और टक करके वो ढक्कन के अंदर मेरा नाइफ चला गया और पूरा वो ढक्कन ही खराब। मैंने कहा गुड़ी तोड़ने के चक्कर में चाकू खराब कर दिया, अभी मुझे थोड़ी चाय में दूध और डालना चाहिए क्योंकि मुझे चाय की क्वांटिटी कम लग रही है। तो फिलहाल जैसा भी है टूट गया है, इसे मैं तोड़ के अब ऐसे करके कटोरियों में रख लेती हूँ।
ये किया इसमें बंद, और बंद की रेडी हो जाएगी हमारी चाय। चाय में अच्छा बॉईल आने देंगे, ठीक है, फिर बताएंगे आपको बाकी। मैं और मेरी जिठानियां क्या करें बताओ? आलू ले रहे, आलू वाले का वेट कर रहे थे, वो भाग खाएंगे, आलू के गुटके खाएंगे, आलू के गुटके गुटके ही रोम ये आलू चावल सब बना। तो हमने सब्जी वाले को वेट कर रहे थे, वो निकल गया था पहले, उतने में बुआ आ गई, यहाँ तो वो चले गए। फिर मैं मोटी हो गई यार। नहीं वो भी कपड़े से लग रहा था। तो फिर अभी हमने सब्जी वाला दिख लिया, फिर उसे बुला लिया, उससे ले लेते हैं आलू थोड़ी सब्जियाँ। हाँ बेटा जाओ। और ये जनाब देखो बिना स्लीपर पहने कहाँ कहाँ घूम रहे। हम लेंगे यहाँ से आलू, भाभी छाटेंगी और लेंगी आलू। भाभी छाटना प्रक्रिया आरम्भ करो। बड़ा बड़े बड़े आलू रख दो, मीडियम साइज के मतलब। ये देखो ये क्या क्या लाए हैं, मूली लाए हैं, हरी मिर्च, धनिया, मटर, प्याज, आलू। तो अब बेच देंगे भैया 50 के ना, 3.5 किलो कर दो। 3.5 किलो कर दो भैया। हाई कह दो भी, चलो यहाँ देख के बहुत खराब। हेलो कह दो, ऐसे कर दो। हाँ तो आप 3.5 किलो कर दो। बताओ पकड़ने आ जाएगा कोई हमें? अरे हम किसी को नहीं बताएंगे ना भैया। वीडियो बना रहे हैं। ओ ये देखो ये लब्बू हमारा, ओ रोने लग गया, रोने लग गया। ये जना आपको तो ऐसी हरकतें हैं। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सच बताओ तो आज का मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत, क्योंकि जो गले का दर्द हो रहा है ना, मुझे इतना कफ कोल्ड कभी नहीं होता, नेवर। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि इतना ज़्यादा कोल्ड, इतना ज़्यादा कफ तो मुझे कभी नहीं हुआ, होता है पर सही हो जाती। मुझे इतनी खांसी भी कभी नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे 2-3 दिन से इतनी खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही। खांसते खांसते मेरे ना सर में दर्द हो जा रहा है, और मैं बताऊँ तो मेरा ये हिस्सा ना ऐसे अंदर से इतना दर्द कर रहा है, मतलब पूरा छिल गया है, पूरा मेरा ना अंदर से ये जो गला है पूरा छिल गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया विक्स लिया और पूरे गले में लगा के स्कार्फ से पूरा कवर कर दिया है, ताकि मुझे अंदर गर्माहट रहे और थोड़ा वो मतलब ठीक हो, खांसी वगैरह और कफ भी सही हो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो भाभी ने खाना पीना बना बनो के रेडी किया, फिर मुझे वो दे गई, रूम में ही दे गई। मैंने रूम में ही खाना खाया और रख दिया सिंक में बर्तन, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊँ या फिर कुछ करूँ, सारा भाभी ने किया। तो फिलहाल जो है मैं अभी रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ, आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कल का दिन तो अरे हाँ आपको बताती हूँ बात कि कल का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि कल है भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी। आई थिंक 8th एनिवर्सरी होगी वेडिंग एनिवर्सरी, पर जो भी है तो कल आप ज़रूर हमारा व्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि कल है हमारे भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी।